आज दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? होप एवरीबॉडी इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लोग अपनी ड्यूटीज कर करके रात की घर आ रहे हैं और हम अभी जा रहे हैं ड्यूटी, ठीक है। और वैसे तो ऑलरेडी 7 बज गए हैं क्योंकि हमारा जो लॉग इन करने का जो टाइम है वो है 8 बजे से, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट चेंज हो चुका है। अब हम आ चुके हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो रेडियोलॉजी बहुत एक्साइटिंग होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक्सरे, MRI, CT स्कैन वगैरह में बहुत सारी पैथोलॉजी सवार होती है, समझ रहे? तो वो सब देखने के लिए, समझ रहे? तो चल दिया भाई साहब अपने हॉस्पिटल की तरफ, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग। तो दोस्तों रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में आप सबका स्वागत है। अभी हम पहुंच गए हैं हमारे यूनिवर्सिटी की पार्किंग में। यह पार्किंग लॉट, इसके पीछे एविएशन डिपार्टमेंट, बट हमारा तो है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। चलते हैं, आज पहला दिन हमारा रेडियोलॉजी में, देखते हैं कैसा क्या रहता है, क्या कुछ नहीं रहता है। आई विल शेयर होल माई एक्सपीरियंस विद यू गाइज। अगर परमिशन मिली, थोड़ा बहुत चांस मिला, तो आपको कुछ फुटेज भी दिखाई जाएंगे अंदर की, ठीक है। बाकी हैव अ गुड डे एंड विश मी लक, ओके, बाय बाय, सी यू। दोस्तों टाइम से पहले ही आ गया हूँ, ठीक है। वेट कर रहा हूँ अभी कि जब टाइम हो जाए तभी मैं अंदर घुसूँ, तभी अटेंडेंस वगैरह लगाऊँ। और ये बंदा है जो पुराने डिपार्टमेंट में ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको बुलाया मैंने स्पेशली, भैया आओ हमें बताओ, थोड़ा गाइड किया जाए, क्या भाई साहब? थैंक यू, थैंक यू, वेलकम। प्राइस देख लो लेबोरेटरी टेस्ट के। हेपेटाइटिस प्रोफाइल 9,800 pesos। ये तो 50% ऑफ है, तब है इतना प्राइस, समझ रहे? अभी चलते हैं CT और MRI डिपार्टमेंट में। दोस्तों ये हमारा MRI रूम, ये होती है MRI मशीन, ठीक है। बाहर से सुरंग सी होती है बिल्कुल, देख पा रहे हो? चलते हैं अभी वापिस। दोस्तों यहाँ चल रही है फुल पढ़ाई, ठीक है। एक्सरेस वगैरह रीड किए जा रहे हैं। हमारा जो रेजिडेंट है ना वो भी गया बाहर खाना वाना लेने, जब तक वो आता है तब तक मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ठीक है। ये नॉर्मल एक्सरे है, तो वो बताना चाह रहा था कि इसमें कुछ फाइंडिंग्स होती है जो कि एक एडिक्वेट एक्सरे में जो होनी चाहिए वो सब कुछ, तो वो समझाने की कोशिश कर रहा था। इतने में उनका खाना वाना आ गया, तो वो वापस चले गए बाहर, ठीक है। ये गुफा जैसा कमरा है, तो ये सब कुछ है। अभी देखते हैं क्या कुछ सीख के जाते हैं आज, कुछ सीख लें वही बढ़िया। सोने वोने का भी इंतजाम है यहाँ, बढ़िया। गद्दी वद्दी पड़ी हुई।
दोस्त अभी वेट कर रहा हूँ सीटी के लिए, हमारा जो रेजिडेंट है वो नहीं आया है सीटी वाला, तो ये सीटी के लिए रूम है, ये भी सीटी के लिए रूम है, इधर अल्ट्रासाउंड के लिए, और ये भीड़ लगी है, ये लगी है सीबीसी वालों की, ठीक है, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट वगैरह, ठीक है, बाकी खाली भी है, लेकिन भीड़ भी अभी तो ज़्यादा थी, अभी कम हो गई थी। चलिए काम दाम कुछ करते हैं, फिर मिलते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग। दोपहर हो गई है, दोपहर से मतलब कि आफ्टरनून का टाइम हो गया, लंच वंच करने जा रहा हूँ घर पे वापिस, और इतना कुछ काम मिला नहीं जितना उम्मीदें लेके आए थे हम लोग। हमेशा ही ऐसा ही होता है, जितनी उम्मीदें लेके आते हैं उनसे ज्यादा काम, उतना हमें काम मिलता नहीं है ना। तो एक तो ना दिक्कत होती है कि इनकी लैंग्वेज वैंग्वेज का ना हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, हालांकि वो टीचिंग वीचिंग के टाइम पे तो नहीं होती है, पढ़ने वढ़ने के टाइम पे तो, क्योंकि सब लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं, अगर किसी से बात भी करते इंग्लिश में कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट से जब बात करो तो फिर वो उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं, समझ रहे हो, ये वाली थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन हो नहीं पाता। ऐसे ही पहले भी था ओपीडी, ओपीडी में भी कि यार पेशेंट से जब बात करते हैं तो वो लोग क्योंकि ज़्यादातर प्रीफर करते हैं कि भैया अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें, समझ रहे, तो हम लोग डायरेक्टली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते उसमें। बस अभी घर जा रहे हैं, आज ड्यूटी है रेडियोलॉजी में, फिर आएगी मंडे को और फ्राइडे को, तीन ड्यूटी है, मतलब दो वीक के लिए है रेडियोलॉजी, तो देखते हैं क्या कुछ मिलता है, क्या कुछ सीख पाते हैं। हालांकि हमने स्टार्टिंग में जब एक्सरे में गए थे तो सुबह सुबह एक्सरे में तो सीखा बहुत सारी चीज़ें, 5-7 केस अच्छे अच्छे देखे, ठीक है, तो एक्सरे वाला एक्सपीरियंस अच्छा रहा। फिर उसके बाद ना जो रेजिडेंट्स थे उनकी मीटिंग वीटिंग स्टार्ट हो गई, तो फिर हम लोग बाहर आ गए, सिटी वाले डिपार्टमेंट के बाहर बैठे रहे, वहाँ पे ऑलरेडी बंदे अलोटेड थे तो वो लोग उनको ज़्यादा प्रीफर कर रहे थे, हम तो भैया जिनकी ड्यूटी है उनको प्रायोरिटाइज करेंगे ना, हमारी ड्यूटी थी एक्सरे में, तो एक्सरे में जितना सीखा सुबह बस वही सीखा, बाकी अभी आते आते 2-3 पेशेंटों के इंटरव्यू करने थे, सीटी करने से पहले उनका इंटरव्यू वगैरह किया जाता है, ठीक है, तो वो सब किया, फिर अभी चल दिया अपने घर के रास्ते, क्योंकि अभी फायदा है नहीं, लंच करने का टाइम हो गया है, खाना वाना खाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर आएंगे शाम को 5 बजे ना रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बंद हो जाता है, तो 5 बजे से पहले आके साइन आउट वगैरह करेंगे, सॉरी साइन आउट वगैरह करेंगे 5 बजे आके, एंड देन डन, बाकी के जो ड्यूटीज होते हैं उनमें 7 बजे साइन आउट होता है, ठीक है, रेडियो में 8 बजे आओ और 5 बजे शाम को साइन आउट कर दो, ये अच्छी बात है। तो बस इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं, आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाकी दुनियादारी से निपट लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, समझ रहे मेरी बात, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, धूप पड़ रही है यार, थकान इतनी हो रही है सुबह से, बस बहुत ज़्यादा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।